everyone. Welcome to our YouTube channel Education Multi W, and this is Yashodhi Mahajan. So today I'm going to cover the topic, what is economics? Let's see. तो अब हम देखेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मनी. तो इसके अंदर हमने दो वर्ड यूज किए, रिसोर्सेज एंड मनी. तो अब हम देखते हैं कि रिसोर्सेज क्या होती है, मनी क्या है. ये मैंने इतने सिंपल वे के अंदर पीपीटी तैयार किए हैं कि आप एक बार इसको सुन लोगे, ये पीपीटी देख लोगे, तो आपके माइंड के अंदर ये सब सेट होने वाला है. अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें इकोनॉमिक्स का, तो वहां पे क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट सीक्स टू एनालाइज एंड डिस्क्राइब द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ. तो डिक्शनरी के अंदर अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर इकोनॉमिक्स को ये कहा गया है, दिस इज अ साइंस दैट सीक्स टू एनालाइज एंड डिस्क्राइब द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ. But really, economics is very important. It has to do with resources and money. जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया कि it is the science of resources including money. तो अभी हमने क्या पढ़ा, economics क्या है, resources, money. दो चीजें आप learn करो. अब हम देखते हैं वहां पे हमने एक word पढ़ा resources. तो resources क्या है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस. अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस उसके क्या क्या आएंगे. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस स्टडीड इन इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम तीन तरह के रिसोर्सेस को स्टडी करेंगे. फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेस, सेकेंड वन ह्यूमन रिसोर्सेस एंड द थर्ड वन इज कैपिटल रिसोर्सेस. तो जो रिसोर्सेस है उसको हमने थ्री पार्ट के अंदर बाइफर्केट कर दिया, नेचुरल, ह्यूमन, कैपिटल. एज द नेम सजेस्ट, नेचुरल मीन्स जो नेचर से आ रही है, ह्यूमन मीन्स जो ह्यूमन बींग से आ रही है, और कैपिटल मीन्स जो मशीनरी से आ रही है. तो नेचुरल रिसोर्सेस क्या है, द रिसोर्सेस दैट कम फ्रॉम द नेचर. तो जो रिसोर्सेस नेचर से आते हैं, जिस तरह से लाइक वुड, वुड हमें कहां से मिलती है, वुड फ्रॉम द ट्रीज. कोल कहां से मिलता है, कोल फ्रॉम अर्थ. तो जो रिसोर्सेस हमें नेचर देती है उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल रिसोर्सेस. सो दैट मींस नेचुरल रिसोर्सेस आर द रिसोर्सेस दैट कम फ्रॉम नेचर. सेकेंड वन, ह्यूमन रिसोर्सेस, द पीपल हु क्रिएट एंड मेक आइटम्स फॉर अदर्स टू यूज. जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेस को यूज करके जो आइटम्स बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस. तो हर काम में जहां मशीनरी लगती है वहां ह्यूमन बींग्स भी लगते हैं. तो ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स जो कि पीपल के थ्रू, जहां पर्सन के थ्रू, ह्यूमन बींग्स के थ्रू आइटम्स को क्रिएट किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्सेज. जहां मैन पावर इन्वॉल्व होती है आपकी, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. थर्ड वन इज कैपिटल रिसोर्सेज. तो कैपिटल रिसोर्सेस क्या होंगे, जो कैपिटल नेचर में है. कैपिटल नेचर में क्या होगा, जो प्लांट एंड मशीनरी है, कोई एसेट्स हम यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसोर्सेस. दैट वर्कर्स यूज टू मेक थिंग्स लाइक प्लांट एंड मशीनरी. तो जिस तरह से लेट अस सपोज, जैसे आप बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई क्रेन वगैरह यूज करते हैं, जो मशीनरी यूज की जाती है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, अलग अलग मशीनरी जो यूज करते हैं, तो डेट इज कॉल्ड कैपिटल रिसोर्सेज. इंडस्ट्री के अंदर प्लांट एंड मशीनरी यूज होती है, डेट इज कॉल्ड कैपिटल रिसोर्सेज. तो ये तो अब हमने पढ़ा कि तीन तरह के रिसोर्सेज होते हैं. तो क्या सबको लर्न हो गए, अगर मैं चेक करूं तो सबको लर्न हो गए, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन, कैपिटल. और नेम से और पिक देके आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, नेचुरल क्या है, जो नेचर से आए हैं, ह्यूमन क्या है, जो मैन पावर रिसोर्सेज है, और कैपिटल क्या है, जो प्लांट एंड मशीनरी है. तो तीन तरह के रिसोर्सेज अब हमने यूज तो कर लिए, अब इनको यूज करके क्या करते हैं, प्रोडक्शन. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर है उसमें क्या है, कुछ आइटम्स है, कुछ टर्म्स है, उसको हम पहले डिस्कस करेंगे.
देन उसके बाद मैं आपको इकोनॉमिक्स के मीनिंग के ऊपर लेके जाऊंगी. तो जो जो आपने इकोनॉमिक्स के मीनिंग के अंदर आया तो आप सब पहले पढ़ चुके हो, ठीक है. तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हमारे वहां पर क्या आ रही है, प्रोडक्शन. प्रोडक्शन मीन सिंपल, सिंपल वे में प्रोडक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस समथिंग. सबको पता है प्रोडक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस समथिंग. जैसे हम नॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं प्रोडक्शन वर्ड, वही इन इकोनॉमिक्स. अब हम देखते हैं, ये तो हमने बोल दिया लेमन लैंग्वेज में प्रोडक्शन क्या होता है, टू प्रोड्यूस समथिंग. अब इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन किसे बोलते हैं. इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग टैंजिबल एंड इनटैंजिबल इनपुट्स इनटू गुड्स और सर्विसेज. तो प्रोडक्शन क्या हुआ, टू प्रोड्यूस समथिंग. समथिंग क्या होगा, टैंजिबल और इनटैंजिबल. मीन्स हमने कुछ प्रोड्यूस कर दिया, उसको आगे बाइफर्केट कर दिया टैंजिबल इनटैंजिबल के अंदर. Raw materials, land, labor, and capital are the tangible inputs, whereas ideas, information, and knowledge are the intangible inputs. These inputs are also known as factors of production. So, tangible, जिस तरह से हम लोग simple way में tangible किसे बोलते हैं, tangible means जिसको हम touch कर सकते हैं. Raw material, land, labor, capital, ये सारे tangible inputs हैं. और इनटैंजिबल इनपुट्स कौन से रहते हैं, कोई आइडिया, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, बट वो आपका आइडिया है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, वो क्या है, इनटैंजिबल इनपुट्स. लाइक एक कंपनी ने कार मैन्युफैक्चर की, तो कार क्या है, दिस इज अ टैंजिबल गुड्स. यहां पे आप देखोगे कि मैंने ये सारा पिक्टोरियल कर दिया, ठीक है. पिक्टोरियल करने से क्या हुआ, आपने वहां पे स्टडी कर लिया प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के अंदर आपने स्टडी किया टैंजिबल गुड्स एंड इनटैंजिबल गुड्स. अब आपको भूल गया टैंजिबल क्या था, इनटैंजिबल क्या था. जैसे आप रिकॉल करोगे टैंजिबल के नीचे आपने कौन सी पिक डाली थी, आपको एकदम से याद आ जाएगा. टैंजिबल के नीचे डाली मैंने कार की पिक, टू कार इज अ टैंजिबल गुड्स. नेक्स्ट, अब ये जो भी आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी आइटम्स हैं, तो ये सारे क्या है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द टैंजिबल गुड्स, क्योंकि आप इनको देख सकते हो, टच कर सकते हो. नेक्स्ट, आप कंप्यूटर पे अपना काम कर रहे हो, कंप्यूटर आपका क्या है, टैंजिबल गुड्स. बट कंप्यूटर के अंदर जो आपका डाटा, जो आपकी इंफॉर्मेशन सेव्ड है, That is an intangible goods. जो information आप उसको देख नहीं सकते हो, जो उसके अंदर जो data है, जो knowledge आपको मिल रही है, that is called an intangible goods. हम लोग financial being a CA, हम अपनी financial services दे रहे हैं, तो वो क्या है, intangible goods. कोई security service है, आप लोगों ने कोई सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट किए हैं, कंपनी ने सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट किए हैं, तो वो सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एन इनटैंजिबल गुड्स. तो अब हमने क्या बोला, प्रोडक्शन मींस टू प्रोड्यूस समथिंग. जो समथिंग क्या है, उसको हमने फर्दर टू पार्ट्स में बाइफर्केट कर दिया, टैंजिबल गुड्स एंड इनटैंजिबल गुड्स के अंदर. या तो वो टैंजिबल है या वो इनटैंजिबल है. टैंजिबल कौन से, जिसको हम टच कर सकते हैं, और इनटैंजिबल जिसको हम टच नहीं कर सकते. नेक्स्ट, अभी हमने बोला प्रोडक्शन, कुछ हमने प्रोड्यूस कर दिया. अब कुछ प्रोड्यूस तो कर दिया, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आई, प्रोडक्टिविटी, ठीक है. तो अब हम देखेंगे पहले प्रोडक्टिविटी क्या होता है. Productivity in economics measures output per unit of input, such as labor, capital or any other resource. हमने क्या बोला, हमने inputs use किए, हमने produce कर दिया, input use करके कुछ output आया. अब उसके हम productivity देखेंगे, output versus input. तो output per unit of input हमारे पास कितना आया, कितना हमने raw material उसके अंदर डाला, और कितना हमारा finished good जो है वो निकल के आया, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्टिविटी. कितना रॉ मटेरियल डाला, कितनी मैन पावर लगाई, कितना टाइम उसके अंदर लगाया, कितने मैन आवर्स लगे, तो उन सब चीजों को देखते हुए हम क्या चेक करेंगे, प्रोडक्टिविटी. एट द कॉर्पोरेट लेवल प्रोडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ अ कंपनीज प्रोडक्शन प्रोसेस. इट इज कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड रिलेटिव टू एम्प्लॉय लेबर आवर्स, और बाय मेजरिंग अ कंपनीज नेट सेल्स रिलेटिव टू एम्प्लॉय लेबर आवर्स. दैट मींस हमने यहाँ पे सबसे पहले प्रोडक्टिविटी से पहले हमारी टर्म थी प्रोडक्शन. अब हमने प्रोडक्शन तो कर दी, ठीक है.
प्रोडक्शन करने के बाद प्रोडक्टिविटी क्यों उसकी इंपॉर्टेंस है, प्रोडक्टिविटी टर्म की क्यों इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, हमने एक आर के अंदर लेटेस्ट पोस्ट 10 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए, ठीक है। कंपनी ए उसने एक आर में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी बैठी, ₹100। ऑब्वियस ही बात है, अगर उसकी ₹100 कॉस्ट आई है तो उसके अंदर वो प्रॉफिट मार्जिन अपना डालेगा ₹10, तो उसने मार्केट में उस चीज को सेल किया ₹110 के ऊपर। एक कंपनी बी है, उसने क्या किया, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या आई, तो उसकी प्रोडक्टिविटी की वजह से उसकी उसने भी 10 यूनिट्स ही बनाए, बट उसकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ गई, ₹90। तो उसने 90 के ऊपर ₹10 ऐड किया, तो उसने मार्केट में उस चीज को ₹100 का दे दिया। तो अगर आपको एक सेम प्रोडक्ट 100 का मिल रहा है और 110 का मिल रहा है, तो आप कौन सा लोगे, ₹100 में लोगे, ऑब्वियस ही बात है। तो इन सब चीजों को चेक करने के लिए प्रोडक्टिविटी इज अ इम्पॉर्टेंट टर्म, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन जो भी मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चरिंग हाउस जो भी मैन्युफैक्चर करता है, उसका मेन पर्पस क्या रहता है कि मैं क्वालिटी तो दूं, बट क्वालिटी के साथ साथ मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मिनिमम से मिनिमम रहे, वेस्टेज उसके अंदर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप उसके अंदर वेस्टेज को कंट्रोल करेंगे तभी आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो निकल के आएगी, और प्रोडक्टिविटी आपकी निकलेगी तभी आप मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। सो प्रोडक्शन, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, 3 रिसोर्सेस, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, नेचुरल, ह्यूमन, कैपिटल, 3 रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को यूज करके हमने प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन अगर की है तो प्रोडक्टिविटी भी आनी चाहिए। प्रोडक्शन तो कर दी, हो सकता है एक कंपनी ने 10 यूनिट जो है वो 10 घंटे में कर दी, एक कंपनी ने 10 यूनिट जो है 20 घंटे में कर दिए, तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती, दैट मींस उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डबल हो गई, ठीक है। तो उस केस में प्रोडक्शन करो, साथ साथ में उसकी प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए। प्रोडक्टिविटी तभी जब आप वर्क स्मार्टर करोगे, वेस्टेज को कंट्रोल करोगे, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इम्प्रूव हो पाएगी। अब हमने प्रोडक्शन तो करके रख लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, कंज्यूमर्स, पीपल हु परचेज गुड्स और सर्विसेज। आप मार्केट में जाते हो, शॉपिंग करते हो, तो आप क्या हो, कंज्यूमर्स। कौन सी शॉपिंग करते हो, ग्रोसरी की शॉपिंग करते हो, तब भी आप कंज्यूमर्स हो। आप अपनी शॉपिंग कर रहे हो, कपड़े लेने जा रहे हो, तब भी आप कंज्यूमर्स हो। तो बेसिकली मार्केट के अंदर जो भी प्रोडक्शन हुई है अल्टीमेटली वो कहां जाएगी, कंज्यूमर्स के पास। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज मनी, ठीक है, ध्यान से इसको याद रखना। सबसे पहले रिसोर्सेस, देन हमने क्या स्टडी किया, रिसोर्सेस से मैन्युफैक्चरिंग हुई तो प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, कंज्यूमर्स, मनी। अब प्रोडक्शन करके मैन्युफैक्चरिंग के पास प्रोडक्शन पड़ी हुई है, ठीक है, वो जाएगी कंज्यूमर्स तक, तो उसका मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या रहेगा, मनी। मनी इज एन इकोनॉमिक यूनिट दैट फंक्शंस एज अ जनरली रिकॉग्नाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर ट्रांजैक्शनल पर्पसेस इन एन इकोनॉमी। तो मनी क्या है, एक इकोनॉमिक यूनिट है जिसके थ्रू आप लोग चेंज एक्सचेंज करते हो, गुड्स को परचेज करते हो, गुड्स को सेल करते हो। तो पहले जब बार्टर सिस्टम होता था, जब मनी नहीं इंट्रोड्यूस हुई थी, तो उस टाइम पे जब बार्टर सिस्टम होता था, तो बार्टर सिस्टम क्या कहता था, एक पर्सन है, उसके पास एक आइटम है, वो से एक आइटम लेता था, दूसरा पर्सन उसको दूसरे आइटम दे देता था, तो उसको ऐसे करते थे चेंज एक्सचेंज। अब क्या है, आज की डेट में अगर हमें कुछ लेना है तो हम क्या करते हैं, मनी के थ्रू उसकी पेमेंट करते हैं और हम वो आइटम परचेज कर लेते हैं। और जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, जो सेलर है, जो सेल कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बाद जो प्रोडक्शन हो गई वो रिटेल आउटलेट्स के ऊपर आपके पास आ गया। जब वहां से वो सेल होगा तो वो अपने आइटम को सेल करेगा जो उसने प्रोड्यूस किया है, तो उसके बदले में उसने क्या लेना आपसे, मनी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर क्या स्टडी किया, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन ने क्या की, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की तो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए तो प्रोडक्शन कहाँ जाएगी, कंज्यूमर्स के पास थ्रू मनी। तो यही सब आपका व्हाट इज इकोनॉमिक्स, यही है। अब हम इसको पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ स्कर्सिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो सबसे पहले इसके अंदर हमने वर्ड क्या पढ़ा, यूज ऑफ रिसोर्सेज, 3 तरह के रिसोर्सेज,
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, टर्म प्रोडक्शन, तो उसके मीनिंग में क्या आ गया, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ओवर टाइम, तो ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ गया, इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी and welfare over time and a great variety of other complex issues of vital concern to society. So that means kya hua ki jo consumers, hum log ne yahan par char terms aayi hamari, resources, production, productivity, consumers. To jaise hi humne agar char terms apne learn kar li to hamara what is economics, meaning of economics, ye sara complete ho gaya. Next, economics also studies how money is used in buying the resources. अब हमने next क्या पढ़ी थी, term money. तो इन सब के अंदर involved क्या है, money. तो ध्यान से इस चीज को रखना, resources, production, productivity, consumers. ये चार items हैं और इन चारों को interlink, इनको link किसने किया हुआ, money ने. तो fifth term हमारी हो गई money. ये पांच टर्म्स आप लोगों ने लर्न कर ली तो आपके पास मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स जो है वो कवर हो जाएगा. तो आई होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा और एक बार ही आपने अगर ये लेक्चर सुन लिया है और पीपीटी देख लिया है तो आपके वो माइंड में फिट हो जाना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड EW. थैंक यू.